फ्रेंड्स, हम लोग एक ऐसे घर जा रहे हैं जहाँ पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, यानी बच्चों से लेके बड़े और बड़े से लेके बुजुर्ग तक सब उस घर में जाना पसंद करते हैं। तो हम जा रहे हैं कौन से घर? तो ये है इंदौर का चिड़ियाघर। तो चलो, अंदर जा रहे हैं चिड़ियाघर के, और अंदर काफ़ी सुरक्षा दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आगे तो QR कोड स्कैन करें। अच्छा, तो भैया यहाँ पर ये टिकट है QR स्कैन का, यहाँ पर स्कैन होगा थोड़ा पीछे लेके। तो फ्रेंड्स, ये है टिकट, QR स्कैन करके हमें अंदर आना है, और 20 रुपये का एक टिकट है, और हम चिड़ियाघर में प्रवेश कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं जू में। तो यहाँ पे हम बहुत मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। काफ़ी टाइम बाद फ्रेंड्स हम लोग चिड़ियाघर आए हैं, जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से अब हम लोग आ रहे हैं, और काफ़ी सतर्कता का यहाँ पर, सावधानी से यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सभी चीज़ों का यहाँ पर बराबर से स्कैन हो रहा है, और हम लोग पहुँच चुके हैं चिड़ियाघर में। तो अंदर का नज़ारा कैसा क्या है आवाज हमको अब बताते हैं, तो देखें मेरे साथ। चलें। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है शुतुरमुर्ग, जो कि काफ़ी बड़ा सा लगता है यार। इसकी जो गर्दन है काफ़ी लंबी है, अलग ही प्रकार की आंखें हैं, और इसकी जो गर्दन है बहुत ही अलग है। मैंने केवल पर्दे पे पिक्चर में ही देखा था इसको, आज आइस टू आइस देख रहा हूँ यार। और इसे लेकर मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए, तो इससे ही पूछते हैं बेटा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बर्ड। हाँ, और कैसा क्या लग रहा है आपको देखने में? बहुत ही सही लग रहा है, मतलब ये देख लिया तो सब देख लिया समझो। हम लोग आ चुके हैं सांप घर में, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सांप हैं, तो देखते हैं कौन कौन से सांप हैं, तो अंदर बताता हूँ मैं आपको सांप। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सोया हुआ है बर्मिस पाइथन जिसे बोलते हैं, काफी सुंदर सा लग रहा है यार, एक नंबर। इसका कलर वगैरह बहुत शानदार सा लग रहा है, एकदम से वो येलो और व्हाइट कलर में, और सोया है अभी, तो कुछ रिएक्शन कुछ भी नहीं है इसके, वो चुपचाप सोया है। तो यार रसल वाइपर, जो कि काफी फुर्तीला दिखा मेरे को यार, यहाँ पर एकदम से एक्टिविटी कर रहा है यार, बहुत शानदार सी, अलग ही एकदम पतला अजगर टाइप लग रहा है, और एकदम फुर्तीला दिखा मुझे अन्य अजगरों की तुलना में। और मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड है, यहाँ पर देखें एकदम से पगला रहा है, देखो। हाँ, वाह। तो भैया बताएं कैसा क्या लग रहा है आपको रसल वाइपर? बहुत सही लग रहा है, मतलब एकदम मजा आ रहा है, मतलब उसको देखने से एकदम अंदर से फीलिंग उठ रही है, मतलब क्या है भैया। तो भाई साहब
क्या पता कौन सी फीलिंग उठ रही है इसको, बट इसको काफी मजा आ रहा है, तो आगे और देखते हैं। पाइपर जिसे हम लोग डिस्कवरी चैनल में आज तक मैंने देखा है पेड़ पर, अब दिख तो ही नहीं रहा, अंदर हरे पेड़ पे ही बैठा हुआ है, अंदर का अंदर ही बैठा है, तो बहुत शानदार सा लगा है। जालीदार पाइथन बहुत बड़ा अजगर है, बहुत मोटा सा अजगर है जालीदार पाइथन, बहुत ही सुपर यार। ये सांप घर जो था मुझे बहुत शानदार लगा, बहुत मजा आए, और सबसे बढ़िया है यहाँ पर बच्चे लोग को इतने मजे आए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, तो बहुत ही शानदार अल्टीमेट। सभी प्रकार के सांप हैं यहाँ पर, कोबरे से लेके अजगर से लेके जितने हैं सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया है, मजा आ गया। कृष्ण मृग है यार, कृष्ण मृग बोलते हैं इन्हों, और काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं यार, छोटे छोटे से हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा। मार्मोसेट बहुत ही छोटा सा एक प्यारा सा प्राणी था ये, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। जो है जैकाल सियार, जो कि प्राय हम गांव में देखते होंगे, हुआ हुआ की आवाज करता है और बहुत डरपोक भी रहता है, पर हाँ यदि ये झुंड में रहे तो फिर इंसान की भी खैर नहीं है, तो बहुत बढ़िया है ये जैकाल सियार, तो देखे इसे। तक का सबसे शानदार नज़ारा यार, फेस टू फेस देख रहे हैं यार भालू, एक नंबर यार, बहुत शानदार घूम रहे हैं, मस्त है यार, और हमको ही देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है यार।
शेर को देखने के लिए और ऊपर चढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है शेर का। यार शेर सही तरीके से दिख जाए तो उसकी बात ही अलग होती है यार, अच्छे से। ओ तो हम ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ से नज़ारा देखेंगे। वाओ ये देखें शेर, ऊपर शेर है, सोए हैं ये। तो फ्रेंड्स सारे ही जानवरों को हम लोगों ने, पशु पक्षी सभी को यहाँ पर चिड़ियाघर में देख लिया। काफ़ी आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार ज़रूर आएँ। मात्र 20 रुपये की टिकट है और 5 रुपये अंदर आएंगे आप तो स्नैक्स का जो घर है, सांप घर, वहाँ पर देने पड़ेंगे आपको। तो कुल मिलाकर बहुत ही मज़ेदार है। बट थोड़ा सा मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा दुख होता है यार, कि जानवर और पशु पक्षी जो हैं, मतलब कि कुछ टाइम बाद यार इनको अपने को आज़ाद करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक ये अनुरोध करूँगा, जो काफ़ी बुढ़े टाइप हो गए हैं या बेचारे ऐसे, तो वो उनको थोड़े टाइम के लिए अपन को बाहर जंगल में छोड़ देना चाहिए यार। एलिफेंट जो हाथी है, मैं जब जब यहाँ पर आता हूँ यार, तो मुझे वो हाथी देख के पता नहीं क्यों एक अलग सी फील होता है, क्योंकि वो बेचारा बस आगे पीछे ही दौड़ता रहता, बस केवल ऊपर नीचे सिर करता है और आगे पीछे करता है, तो यही करता है दिन भर यार वो बस। तो काफ़ी अकेला सा महसूस करता है यार वो हाथी। तो मेरा यही प्रबंधन से अनुरोध है, वो सुन रहे हो तो, कि इनको थोड़ा सा जंगल में अपने को या ऐसा कुछ और अलग सा माहौल दें, ताकि इनको भी अच्छा लगे। काफ़ी हालांकि चिड़ियाघर काफ़ी अच्छा है, सभी में अच्छी भरपूर स्पेस है और काफ़ी अच्छे पशु पक्षियों के लिए अच्छी स्पेस हो चुकी है। बट कुछ कुछ जानवर जो ऐसे हैं जो मुझे उन पर थोड़ा सा दया आती है यार, कि ये कैसे क्या रह रहे हैं यार, और काफ़ी बुढ़े हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए यार। बस यही अनुरोध है।